बहुत खुश है जग्गा आज, देखिए खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। तो इस बच्ची के साथ भी इनकी दोस्ती हो गई है, बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई है। ये ऊपर जो जंगल से पानी आ रहा है ना, ऊपर पहाड़ों से जंगल से होते, थोड़ा थोड़ा करके पानी हो गया, सब तरफ हरियाली छा गई है, तो अच्छा लग रहा है काफी। कट गई रे बाबा, डफर तेरी कटी गई है। आम ही आम, गुठलियों के दाम। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के व्लॉग में छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि जग्गे ने किसी बात के लिए खुश कर दिया, रेस्क्यूड फीमेल पप है और उसकी सबके साथ दोस्ती हो रही है, और गाँव की बारिश देखिए आज दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। और लूडो का मैच होगा प्रिया और उसकी स्टूडेंट्स के बीच में, फिर हम लोग खेत में गए थे, वहाँ से मैंगो कलेक्ट किए थे, सभी कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, टेक चैनल आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए जाके सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं उसके ऊपर वीडियो डाल सकूंगा। किन्हीं कारणों की वजह से वीडियो लेट हो चुकी है, लेकिन घबराइए मत, आ जाएगी वीडियो। खैर व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मिले सबसे पहले हमारे जग्गे से, मेरे पुराने व्यूअर्स जग्गे को जानते हैं कि ये कौन है, इसकी कहानी क्या है। इसकी वीडियोस पे हजारों व्यूज़ हैं, कुछ एक पर लाखों व्यूज़ हैं, जाके देखिए मेरे चैनल पे, आपको पसंद आएगी। तो अभी सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हम लोग खुश क्यों हैं। खुश इसलिए है कि जग्गे ने आज बाजरा खाना शुरू कर दिया। जी हाँ, ये हरा चारा है, हरा चारा पहले भी खाता था लेकिन ये एक ही तरह का खाता था, सूल बबूल कहते हैं जिसे पंजाबी में, रसीडी कहते हैं हमारी देसी भाषा में। तो इसने आज शुरू कर दिया है, ये बहुत ही मतलब अच्छी खबर है। एक पशुपालक ही अच्छी तरह से जानता है कि जब उनका कोई पशु बच्चा कोई इस तरह से खाना शुरू कर दे तो कितना फ़ायदेमंद होता है उसके लिए, खुद के लिए, बच्चे के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। और जग्गा तो बस कमाल ही। और ये देखिए हमारी शहर में अच्छी तरह से जग्गे को खुला मतलब वातावरण है, हवा आने के लिए खिड़की बनी हुई है जग्गे भाई साहब के लिए, और बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। हाँ बुते, हाँ जग्गा मतलब पहली बार खाया है ना बाजरा, तो बहुत खुश है आज, मतलब उसके लिए ये नई चीज़ है। और ये देखिए, ये देखिए, ये छुटकन रेस्क्यू की हुई हमारी छोटी बच्ची, इसकी कहानी मैं आगे बताता हूँ आपको। तो अभी ओ हाँ बुते करेगी या ना, इसकी दोस्ती भी हो गई है जग्गे के साथ, जैले के साथ, सभी के साथ इसकी दोस्ती हो गई है, बहुत ही नटखट है ये इसलिए। हाँ 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 बुते, हाँ 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 बुते, मैं वीडियो बनाना, रुको जी रुको जग्गा भाई साहब। हाँ तू करेगी या नहीं, रुक। जग्गू बहुत खुश है, बहुत खुश है जग्गा आज, देखिए खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। जग्गू ओ जग्गा, और ये देखिए कहाँ ऐसा याराना, तेरा मेरा याराना, इनकी दोस्ती हो चुकी है। अच्छा जो भैंसे होते हैं ना, वो अगर किसी को पास नहीं ना आने दे तो मतलब उठा उठा के पटक सकते हैं, लेकिन जब किसी से प्यार हो जाए तो मतलब उसके ही हो जाते हैं। ये देखिए, चाहे वो जानवर है या इंसान है। तो इस बच्ची के साथ भी इनकी दोस्ती हो गई है, बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई है। और ये देखिए जग्गे के साथ भी इनकी दोस्ती है, बस ये यही काम है इसको, कभी इधर कभी उधर, हमारे घर के अंदर भी चली जाती है, क्योंकि टाइसन के साथ इसकी दोस्ती हो चुकी है, मिस्टी के साथ अभी नहीं हुई इतनी, तो ख्याल रखना पड़ता है अभी इन चीज़ों का। जग्गू ओए, और ये देखिए, ये देखिए अगर हाँ, और एक बात, जो लोग सोच रहे हैं कि ये जैसे चाट रही है इसको, तो देखिए कोई खतरा नहीं है, अच्छी तरह से वैक्सीनेट की हुई है हमने, तो कोई बात का डर नहीं। अच्छा और एक बात, अगर कोई इसे अडॉप्ट करना चाहता है तो इसकी लोकेशन है ज़िला होशियारपुर पंजाब से, बहुत दूर दूर से कॉल्स आ रही हैं, मतलब सॉरी मैसेजेस आ रहे हैं मेरी पुरानी वीडियोज़ पर, लेकिन बहुत दूर से, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मतलब पूरे इंडिया से आ रहे हैं, लेकिन देखिए वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो खैर ज़िला होशियारपुर में अगर आपको कोई फ्रेंड रिश्तेदार या आप हैं, मुझे कॉन्टैक्ट करिए। छोटे नाले होते हैं वो भी भर गए हैं। ये देखिए अक्सर मेरे व्लॉग्स में ये जगह देखी होगी आपने, ये ऊपर जो जंगल से पानी आ रहा है ना, ऊपर पहाड़ों से जंगल से होते, थोड़ा थोड़ा करके मतलब इतनी सी बारिश से हो गया देखिए पानी। अभी आगे आपको दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अगर वहाँ तक पहुँच पाया तो देखते हैं। बाप रे बाप, ये देखिए तो थोड़ी सी बारिश से ये हाल हो गया। बहुत पानी है, अरे यार ये खड्ड को जाता है ये रास्ता, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो ये पानी ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से, जंगल जंगल की ओर से, जंगल से पहाड़, पहाड़ों के रास्ते। अभी पहले बारिश बारिश हो ऐसे हो रहा था, तो फाइनली वो शुरू हो चुकी हैं, ये
बाजरा वगैरह इधर लगा हुआ है, लोगों ने लगाया हुआ है। अभी बाप रे बाप। तो दोस्तों ये बारिश अच्छी हो रही है आज। यार यहाँ पे भी यार पानी जम गया है, काफ़ी मिट्टी है यहाँ पे। अभी ये इस तरफ आप लोग देख सकते हैं बाजरा वगैरह लगाया हुआ है लोगों ने। पता नहीं मेरे माइक्रोफोन की आवाज़ आप लोगों को क्लियर सुन भी रही है कि नहीं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। रेनकोट पहना हुआ, उसके अंदर माइक्रोफोन है और बारिश की आवाज़ अलग से। वो तो अभी एडिटिंग करूँगा वीडियो, तब देखूँगा कि आ रही है आवाज़ कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि देखिए ये रास्ता कितना सुंदर लग रहा है। अभी जिस रास्ते से मैं आया हूँ, छोटी सी गलियाँ, वो देखिए सामने ये छोटे छोटे पहाड़ हैं, इनसे पीछे ज़्यादा बड़े पहाड़ हैं, उससे बड़े। ये देखिए पानी पानी हो गया सब बस। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा आप लोगों को, शहरों में पानी आता है तो हम लोग क्या होता है, तंग हो जाते हैं। जैसे मुंबई में इस समय चल रहा है, BMC को कोस रहे हैं लोग तो। लेकिन यहाँ पर देखिए पानी में चलने के कुछ अलग ही नज़ारे हैं। धीरे धीरे उफान ले रहा है पानी। और ये गौशाला है हमारे गांव में ही है, ये पास में ही है। तो अभी पानी आ रहा है, अभी इतना नहीं हुआ, ये तो थोड़ा थोड़ा है अभी। अगर मैंने बताया अगर शाम तक ऐसा रहा, उफान रहा, तो काफ़ी ज़्यादा पानी हो सकता है यहाँ पे। अभी उफान हो रहा है। ये हरियाली जो है ये अच्छी लग रही है, देखिए। पानी हो गया, सब तरफ हरियाली छा गई है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। अभी पानी देखते हैं शाम तक, कई जगहों पर हो सकता है बाढ़ आएगी अगर आज बारिश रही, खास करके हमारे जो नज़दीकी स्टेट है हिमाचल में। और यहाँ पे कभी बाढ़ की इतनी दिक्कत हुई नहीं। पानी वगैरह आता है वो खड्ड वगैरह में, जैसे मैंने दिखाया, जैसे ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे यहीं पे आता है, वैसे नहीं आता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी आपको दिखाते हैं बीच में जाके, पानी में चलते हैं थोड़ी देर। अच्छा मैं कह रहा था शहरों में बारिश हो तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन गाँव में हो तो कुछ अलग ही नज़ारा है, मज़ा आ जाता है यार। बारिश जो गाँव की बारिश होती है, पानी आ रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मौसम तो ख़राब ज़्यादा ही लग रहा है आज। उनका मिस्ट्री तो आ जाएगी, टाइसन को भी मैं ट्राई करूँगा अगर वो मेरे साथ आ जाए यहाँ पे। बाकी देखते हैं हम लोग, प्रिया भी गई हुई है सेंटर, ट्यूशन सेंटर बच्चों को पढ़ाने, तो बारिश ज़्यादा लग गई है। वो रेनकोट भी लेके नहीं गई, वो पैर की उसकी दिक्कत, अभी थोड़ा पैर ठीक है तो देखते हैं। अभी उसका फ़ोन भी नहीं आया, घर जाके देखना पड़ेगा मुझे। और ये देखिए दोस्तों मुकाबला हो रहा है लूडो का लड़कियों के बीच। ऐसा कि इनका काम हो चुका है बच्चों का, तो कह रहे दीदी लूडो खेलनी है, इसलिए लूडो चल रही है अभी। चाचू वीडियो बना दे रहे हैं। ओ नहीं ये कट गई रे बाबा, वो डफर तेरी कटी गई है। कौन जीत भी गई? अच्छा ए लूजर है, जिन्ना तू रोला पाया ना मेरे को, मान लो तू जितना। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे आप लोगों ने? गलत किया है मेरे साथ, साफ गलत नहीं किया, खेलना ही नहीं आया तुम्हें। खेत में आए हैं मम्मी पापा बाजरा लेने। ये देखिए बाजरा है, हमारा खेत उस साइड है। तो बाजरे के साथ और एक बात को चीज़ बताता हूँ कि जब भी यहाँ पे आना होता है, हर खेत के पास कोई ना कोई आम का पेड़ होता है, तो इसी तरह से आम कलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, गिरते रहते हैं आम, कितने ख़राब भी हो जाते हैं, इसलिए टाइम से उन्हें उठाना ज़रूरी होता है। आगे दिखाता हूँ, ये देखिए आम ही आम गुठलियों के दाम, कितने सारे आम है देखिए, मतलब ये भरे रहते हैं इसी तरह से। बंदा खा खा कर मतलब पक जाता है, आम तो पके हैं, बंदा भी पक जाता है, इतने ज़्यादा हो जाते हैं, भरे पड़े हैं ये आगे से लेके तुम। ये देखिए सारे सारे, वो देखिए। खैर ये रहा बाजरा हमारा, मम्मी पापा ने कलेक्ट कर लिया, ये पशुओं के लिए लेके जाना है। यहाँ पे ये देखिए तार लगी हुई हैं,
पशुओं का जो आवारा पशुओं का डर नहीं रहता। आटा ले होना जी है ना, मैं यही कमाई चल जाना छड़े ना, बरखा नहीं हटनी है कोई ना। तो दोस्तों खैर ये देखिए आम आपको देख रहे हैं, तो वो देखिए पके हुए आम, बहुत सारे आम होते हैं यहाँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शेड में और ये देखिए आम। खैर दोस्तों ये था आज का व्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले तमाम व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।